हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पब्लिक किचन। आज मैं आपके साथ सिया सीड पुडिंग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको खाने से हमारा पाचन क्रिया ठीक होती है और वेट लूज होता है। इसको खाने से हमारे लीवर और पेट को ठंडक पहुंचती है और हमारा बीपी भी कंट्रोल रहता है। तो ये गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद है, क्यों ना इसको हम सुबह के नाश्ते में शामिल करें। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए एक ये जार लिया है, जिसके अंदर मैंने 2 चम्मच सिया सीड डाल दिए हैं। इसको कई लोग सब्जा बीज भी बोलते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। ये हमारे वेट लूज करते हैं। इसके अंदर हम 1 कप दूध डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप सब्जा बीज को पानी में भिगोते हैं और बाहर रखते हैं तो ये बहुत जल्दी 10-15 मिनट में भीग जाते हैं, लेकिन हमने दूध में इसकी पुडिंग बनानी है तो दूध के अंदर सब्जा बीज जो है उसको डाल के हमें फ्रिज में रखना पड़ेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। बाहर रखेंगे तो दूध खराब हो सकता है। और साथ में इसके अंदर 4-5 मैंने बादाम डाल दिए हैं, इसके 2 पीस करके। अब ये भी भीग जाएंगे दूध के अंदर ही। सब्जा बीज अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको रात भर के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये मैंने रात को रख दिए थे और ये देखिए सुबह हमारे सब्जा बीज अच्छी तरह से फूल गए हैं। वो जार मेरा छोटा था, मिक्स नहीं होता था, मैंने उसको ट्रांसफर कर लिया एक बॉल के अंदर। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच शक्कर के डाल देंगे। जो मैंने इसमें शक्कर डाली है उसको डाल के मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी छोटी इलायची 1/4 चम्मच, इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और वैसे भी ठंडी होती है हरी इलायची। इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही आसान पुडिंग है, बिना गैस जलाए बनके तैयार हो जाती है। बस ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम एक जार लेंगे और उसके अंदर 1 बनाना मैंने लिया है। बनाना के इस तरह छोटे छोटे पीस काट लेंगे और इसको चम्मच की सहायता से हम नीचे 1 लेयर पहले इसकी लगा देंगे। बनाना भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसमें बहुत कैल्शियम आयरन पाया जाता है और ये हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। 1 लेयर मैंने नीचे बनाना की काट के लगा दी है। अब हम इसके ऊपर जो हमने भिगोए हुए सब्जा बीज थे दूध के अंदर, वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम नीचे रखेंगे, पूरा नहीं भरना इसको। और अब इसके ऊपर भी हम एक और बनाना के लेयर लगा देंगे। इस तरह से हम इसको सारा कवर कर देंगे। चिल्ड खाएं, इसको ठंडा करके खाएंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। फ्रिज में रखे हुए वैसे ही हमारे सिया सीड तो ठंडे ही हो गए हैं। अब मैंने ये देखिए इसके ऊपर थोड़े से बादाम जो भिगोए हुए थे वो और पिस्ता डाल के इसको गार्निश कर दिया है और थोड़े से केसर के दाने। बादाम और पिस्ते से इसको गार्निश कर देंगे। और ये केसर के धागे, ये ऑप्शनल है टोटली, अगर आप चाहें तो लगाएं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारी देखिए फटाफट 5 मिनट के अंदर पुडिंग बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये सिया सीड पुडिंग की रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।